वो तो सुन लें। आखिरत का फिक्र ये नहीं है हमारा मकान कैसा होगा, किसी को फिक्र है जन्नत में मैं कहूँ ये डेकोरेशन ऐसी होनी चाहिए, इसमें पेपर ऐसे लगा देने, फिश्ते क्या कर रहे हैं, लाइटें कौन सी लगा रहे हैं, आज तक किसी को नहीं सुना। पता है जन्नत में जा रहे हैं, बेफिक्र हो, क्यों कि बनाने वाले उसकी जात खुद बनाएगी, हमें फिक्र की क्या जरूरत। तो जिस आखिरत की फिक्र में ये तो माइनस हो गया कि मकान की सजावट बनावट या कारपेट डालना है, इसके तो किसी को फिक्र नहीं होगा, किसी को नहीं है किसी जन्नती को। फिर ये भी फिक्र नहीं होगा यार चलो मकान तो बड़ा मिल जाएगा तो उसके खर्चे कैसे पूरे होंगे, वाटर बिल आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी यार, मीटर न लगवाएं तो शायद काम चल जाए, इलेक्ट्रिक का बिल कैसे देंगे, किसी को है जन्नत के मकान का फिक्र है? अकलमंद आदमी है, ये आदमी या तो रहे मुफ्त रहेंगे मकान, बिल्कुल जो मकान दे रहा है बिल भी वही देगा, बड़ा ऊंचा सुभान अल्लाह। देखो ना तो ये भी गायब हो गया, तो ये भी कोई फिक्र की बात नहीं है या नहीं। बाकी रह गया यार आप जन्नत बहुत बड़ी जगह होगी, यार दोस्त होंगे, कभी दिल करेगा चलो भाई आज जिक्र करते थे साथ चले जाते हैं, फलां से मिलाते हैं उससे गप शप, आदमी बोर भी होता अकेला बोर हो जाता है, चलो पुराने साथी जो दुनिया के थे आओ यार उसके पास चलते हैं, चाय शाय पियेंगे, वहाँ की कॉफ़ी पियेंगे, मछली छछली खाएंगे आराम से, कुछ चिकन बना खाएं, उसकी जो हुरें बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अब यहाँ है तो बड़ा, वो तो उससे बड़ा रहता है, उस कोने पे आसमान पे रहता है और मैं यहाँ रहता हूँ, तो यार सवारी चाहिए, कोई फिक्र नहीं, बस आपने सोचना है बेहतरीन सवारी आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, बेहतरीन, बस बैठना है इस पर, हमने इशारा करना है, हमने बताना नहीं कहाँ जाना है, खुद सवारी समझेगी कि इसने किस मुकाम पे जाना है। ये भी फिक्र नहीं रह गई यार गाड़ी खरीदनी नई मॉडल की, क्यों जो हमें ऊपर लेके गए हैं मकान दिए तो गाड़ी भी देगा नहीं देगा, बातें समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, जन्नत की सैर करा रहा हूँ आपको। ये भी फिक्र नहीं, पर फिक्र क्या है, तकलीफ क्या है हमें जो आखिरत को सोचे, पर यहाँ तो हमें यही तकलीफ है ना सारी, आखिर क्या तकलीफ है, सोचो दो मिनट दे रहा हूँ, कुछ तो फिक्र होना चाहिए ना आखिरत का, पता है किसी को कुछ नहीं पता, नहीं समझ आता हूँ बस रिश्ता जिंदगी हम समझदार है, ना तो वहाँ मकान का फिक्र है, ना किसी ने कभी सोचा बिल दूंगा, ना किसी ने सोचा गाड़ी होगी, बस जन्नत में जाना है। तो फिक्र जो है आखिरत का होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए दोस्तों, कि हमारी निजात हो जाए, फलाह पा जाए, ये सारे खेल जो जन्नत को बता रहा हूँ किस पर हैं, निजात पर हैं, फलाह पर हैं। तो हमें जो फिक्र होना चाहिए अल्लाह ताला तो इस दुनिया से हमें कामयाब भेज दे, बस हमारी निजात हो जाए, ये है फिक्र। सोचना आप जरूर बताए, कुरान बता रहे हैं कद अफलहल मोमिनून, बताया नहीं कहा मोमिनून, जितने भी ईमान वाले मोमिन औरतें हैं निजात पा गए, बता दे निजात है उनके लिए, कद अफलहल मोमिनून, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने गारंटी दे दी, बिल्कुल फारिग 100% निजात अल्लाह ताला, क्या अमल है जिसके लिए अल्लाह ताला ये कह रहा है निजात मिल जाएगी, कोई अमल तो होगा ना, अल्लाह दे रहा है हमें अमल कि ये अमल करो इंशाल्लाह निजात हो जाएगी, तो अल्लाह कुरान में बता रहे हैं तफलहल मोमिन अल्लज़ीना सलातम, यही है ना, क्या बात है, नमाज, नमाज कितनी बड़ी चीज है, नमाज अल्लाह ने कह दिया नमाज एक ऐसा अमल तुम्हें दे रहा हूं कि जिसने इसको अख्तियार कर लिया कद अफलहल मोमिनून, कोई औरत मर्द जो भी इस नमाज को पकड़ लेगी अल्लाह कहता है मैं रब वादा करता हूं मैं उसको फला दे दूंगा, उसके लिए फला है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए नमाज अल्लाह पाक करे, अल्लज़ीना हम फी सलातिहिम। वो तो हम देख रहे हैं जो आजकल है सब सजा इन्हीं चीज की, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बहुत ही छोटी सी प्यारी याद लिखी है, इन्ना अल्लाह शदीदुल अक़ाब, और फिर फरमाया अन्नल्लाह गफूर रहीम, ये दोनों मिला दिए आयत है ना कुरान के, बड़ा मजा है मुझे दोनों आयत एक जगह पढ़ के, सुभान अल्लाह,
पता है तुम्हें अल्लाह ताला कहते हैं, जानते हो क्या सिर्फ बताइए। देखो एक तरफ अल्लाह ने जन्नत रखी और एक तरफ क्या रखा है, दोजख को रखा है, और इंतखाब हमें दिया है, बताओ क्या चाहते हो। दोनों चीजें मैं तुम मिल सकती हैं, तुम खुद सोच लो, और इसका अख्तियार हमें दे दिया। देखिए सुभान अल्लाह, शदीद उधर क्या है, शदीद काब है उधर क्या है, गफूर रहीम है। इस तरफ आना चाहते हो, इस तरफ आना चाहते हो, अल्लाह ताला कहते हैं फैसला तुम्हारा है। इधर आना चाहते हो या इधर आना चाहते हो, अगर आना चाहते हो शदीद अकाब, तो वो मेरा शदीद अजाब उस वक्त उतरेगा जिस वक्त तुम मेरी नमाज को तर्क कर दोगे, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा, एक नहीं दिखाऊंगा, मिसालें दूंगा तुम्हें कौमों की, मैं फिर किस तरह तबाह करता हूं। फिर बेशक देते रहो तुम अजाने, बेशक जो कुछ करते रहो, कहता बस एक दफा मैं जब आ गया ना जलाल में, अल्लाह ताला कहता है तो फिर मेरी सजाएं ऐसी हैं कि फिर इंसानों को हवाओं की तरह उड़ाता हूं। मिसालें दी, अजीब अजीब अजाबों के साथ अल्लाह ने मिसालें दी है। ऐसे आए जिब्रील अलैहिस्सलाम, बस्ती को उठाया, देखिए अजीब ऊपर तक ले गए अल्लाह, और ऊपर से लेके ऐसे मारा बस्ती, पता ही नहीं चला गए किधर, लोग हवा में उड़ गए, सब नाजो नखरे इंसान के खत्म हो गए। किसी को आया तो हवा से ऐसी हवा चलाई, हवा में उड़ गए लोग, पता ही चला किधर गए। और किसी को क्या किया, जमीन को हिला के रखती है जलजले, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, खत्म, पता ही को नहीं चला। तो हम कोई सर्टिफिकेट लेके आए, किस चीज के गरूर में लोग हम बैठे हैं। लेकिन एक वक्त चलता है, अल्लाह के बंदों को अपने घरों में गौर से देखो कि नमाज का तर्क ना हो। मेरी बातें समझ आई या नहीं है, यह है कुरान का बुखार। ये इतनी बड़ी चीज है नमाज, अल्लाह पाक कह रहा है इधर तुम मुझे दे रहे हो, ये बहुत बड़ा अमल है, पढ़ने से ही ना समझ लेंगे निजात हो जाएगी। अब आगे सुन लें, पढ़ने से निजात नहीं होगी। अल्लज़ीन फी सलातिहिम, शर्त लगाया, वो उन लोगों की नमाज, वो लोग जो ऐसी नमाज पढ़ेंगे उनको फला मिलेगी। कौन से, खाशियों। खाशियों क्या मतलब है, कि दिन के नमाज बहुत ही खूबसूरत हो। उसकी तीन सिफत बताएंगे अल्लाह ताला ने नमाज की। देखो एक बात सुने, ये नमाज जाती क्या है हमारी, मैंने नमाज पढ़ी है, अभी आपने पढ़ी है, फजर पढ़ी है, पढ़ ली नमाज तो कहाँ गई, गायब हो गई, गुम हो गई, हमें पता ही नहीं गई किधर। मेरे भाइयों, हर नमाज जो हम पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं, अल्लाह के लिए कहते हैं। नहीं, नमाज किसके लिए है, अल्लाह के लिए। इसका मतलब क्या है, हम अल्लाह को दे रहे हैं। नमाज जो हम पढ़ते हैं वो यहां नहीं रहती, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। यानी जब मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, अल्लाह ये नमाज मैंने तुझे देनी है। मेरी बात जरा गौर से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने अल्लाह ये नमाज तुझे दे रहा हूं। हम ये कहते हैं ना, कितनी शर्म की बात है जब आप किसी को हदिया देते हैं, हदिया समझते हैं ना, इंसान जब किसी को हदिया देता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं, ठीक है, ये लो जी, आप कहीं बड़ा बदतमीज आ रही है, किस तरीका देने का है यार, कोई देने तो रिस्पेक्टफुल तो देता है या नहीं। एक आदमी आता है, वही है चीज पकड़ता है, उसको अच्छी तरह रैप करता है, उसमें नाम लिखता है, नहीं जी माशाल्लाह, अंदर वही चीज है, फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अच्छा, फर्क क्या पड़ा, कि जिसने लिया है उसके दिल में ये ख्याल है कि इसको, इसके दिल में मेरी रिस्पेक्ट है। हदिया वही मिला उसको, एक इसको उठा के फड़ो जी, दे रहा ठीक है, और एक वही दे रहा पैक करके, अंदर वही है। वो क्या कहेगा, ये शो कर रहा है कि ये आदमी मेरे रिस्पेक्ट रखता है, अपने दिल में अदब है, और बना के देगा तो कहेगा सुभान अल्लाह, किस कदर मोहब्बत मुझसे करता है। अब रिस्पेक्ट से क्या हो गई, मोहब्बत हो गई। अगर उसने और उसने खुशबू लगा दी, अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड साथ रख दिया, तो आशिक है मेरा ये तो माशाल्लाह। हदिया एक अंदर, देने के तरीके तीन हैं, वो तीन जो बता रहे हैं तरीके वो मुख्तलिफ बता रहे हैं। एक बता रहा है बदतमीज है, दूसरा बता रहा है मुझे पसंद करता है, तीसरा बता मेरा आशिक है। जब नमाज दी जाती है अल्लाह के हजूर में, हदिया दिया जाता है, तो अल्लाह भी ताला यही देखता है कि कितना बदतमीज आदमी, ये नमाज मेरी देने वाली है मुझे, ऐसी नमाज देते हैं, ये हदिया दे रहे हैं मुझे। अल्लाह ताला पकड़ेगा नमाज के मुंह पे उठा के मारते हैं, पकड़ इसको, हदीस है या नहीं है।
ये मुझे हदिया दे रहा है, किसको? खालिक को, मालिक को। ऐसी हदिया देते हैं, ये तमीज़ देने की। आए बस फोंग मार के चले गए। शुक्र उसने हमें आने की तौफीक दी, लेकिन क्या ऐसे पेश करते हैं अपने रब के साथ? ये जो नमाज में दे किसे रहा हूं, अल्लाह को दे रहा हूं, तो ऐसी बना के दी जाए, ऐसी बना के दी जाए कि जब नमाज पहुंचे तो फिर अल्लाह ताला ये कहे ये आम नहीं है बल्कि मेरा आशिक है ये था।